हेलो एवरीवन, वेलकम इन प्रोग्रामिंग ब्रेन चैनल। आज हम नए वीडियो के साथ, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं फ्रेंड क्लास। इससे पहले हमने पढ़ा था फ्रेंड फंक्शन और अब हम पढ़ने वाले हैं फ्रेंड क्लास। अगर आप आज पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड ऑल्सो क्लिक द बेल आइकन, ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप तुरंत वीडियो देख सकें। फ्रेंड क्लास के थ्रू हम कैसे दूसरी क्लास के डेटा को एक्सेस करेंगे जिसकी वो फ्रेंड क्लास है। तो लेट्स स्टार्ट फ्रेंड क्लास। तो देखिए, ये हमारी फ्रेंड क्लास इन C++। तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं कि फ्रेंड क्लास हमारी क्या है। जैसे कि हमने फ्रेंड फंक्शन पढ़ा कि क्लास के प्राइवेट डेटा मेंबर्स को एक्सेस करता है, इसी तरह से जब एक क्लास दूसरे क्लास का फ्रेंड बनाया जाता है तो एक क्लास दूसरे क्लास के प्राइवेट मेंबर को एक्सेस कर सकती है। लेकिन जब वो फ्रेंड होगी क्लास, तभी प्राइवेट डेटा मेंबर्स दूसरे क्लास के एक्सेस कर सकेंगे, अदरवाइज नहीं। तो चलिए पहले हम लोग पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद प्रोग्राम बना करके समझेंगे। तो देखिए क्या कह रहा है फ्रेंड क्लास। सिमिलरली लाइक के फ्रेंड फंक्शन, ए क्लास कैन ऑल्सो बी मेड अ फ्रेंड ऑफ अनदर क्लास यूजिंग कीवर्ड फ्रेंड। यस, सेम फ्रेंड फंक्शन की तरह एक क्लास को भी फ्रेंड बनाया जा सकता है दूसरी क्लास का, लेकिन क्या यूज करके? फ्रेंड कीवर्ड का यूज करके। व्हेन ए क्लास इज मेड ए फ्रेंड क्लास, जब एक क्लास फ्रेंड क्लास बना दी जाती है तो ऑल द मेंबर फंक्शंस ऑफ द क्लास बिकम्स फ्रेंड फंक्शंस, और जो भी मेंबर फंक्शंस हैं क्लास के वो सब फ्रेंड फंक्शन बन जाते हैं जब एक क्लास फ्रेंड क्लास होती है दूसरी क्लास की। ए फ्रेंड क्लास कैन एक्सेस प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड मेंबर्स ऑफ अदर क्लास इन विच इट इज डिक्लेयर्ड एज फ्रेंड। यस, जो फ्रेंड क्लास है हमारी वो एक्सेस कर सकती है क्या? प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड मेंबर्स किसके? दूसरी क्लास के, और जिस क्लास में इसको एज अ फ्रेंड डिक्लेयर किया गया। इट मीन्स जिस क्लास में फ्रेंड डिक्लेयर किया गया है दूसरी क्लास को, तो जो फ्रेंड क्लास होती है वो प्राइवेट और प्रोटेक्टेड मेंबर्स दूसरी क्लास के एक्सेस कर सकती है जो फ्रेंड क्लास होती है। इट इज समटाइम्स यूजफुल टू अलाउ अ पर्टिकुलर क्लास टू एक्सेस प्राइवेट मेंबर्स ऑफ अदर क्लास। यस, एक क्लास को दूसरी क्लास के प्राइवेट मेंबर्स को एक्सेस करने के लिए अलाउ करना कभी कभी यूजफुल होता है। यस, कभी जरूरत पड़ती है हमें कि दूसरी क्लास के मेंबर्स को एक्सेस करना है। तो चलिए अब इसका सिंटेक्स समझते हैं और सिंटेक्स के बाद हम प्रोग्राम बना करके रन करेंगे। तो ये देखिए इसका फ्रेंड क्लास का सिंटेक्स। एक क्लास हमने ABC बनाई जिसके अपने डेटा मेंबर्स होंगे, पब्लिक के अंदर उसके फंक्शंस होंगे, और उसमें हमने एक क्लास लिया XYZ और जिसको फ्रेंड बनाया है किसका? ABC। तो XYZ इज द फ्रेंड ऑफ क्लास ABC। तो जो XYZ क्लास होगी वो ABC के सारे प्राइवेट और प्रोटेक्टेड मेंबर्स को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ एक्सेस कर सकती है। और यहाँ पे देखिए ABC का ब्रैकेट क्लोज कर दिया, और अब जो हमने फ्रेंड बनाई है क्लास, उस क्लास का डेफिनेशन दे रहे हैं। तो क्लास XYZ, और अब उसका डिस्क्रिप्शन देंगे तो उसके अंदर वेरिएबल्स होंगे, पब्लिक के अंदर फंक्शंस होंगे, और यहाँ हमने एक फंक्शन बनाया सम, और जिसमें कि हम दोनों क्लासेस के नंबर्स का सम करेंगे। तो देखिए, जो इसके XYZ के अपने डेटा मेंबर्स होंगे उनको डायरेक्ट एक्सेस करेगा, और जो ABC क्लास के मेंबर्स होंगे उनको ये ऑब्जेक्ट के साथ एक्सेस करेगा। क्योंकि प्राइवेट हो या प्रोटेक्टेड हो डेटा मेंबर्स किसी भी क्लास के, तभी हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ एक्सेस कर सकते हैं जब वो फ्रेंड होगा, फ्रेंड फंक्शन होगा या फ्रेंड क्लास होगी। और उसके बाद अब मेन में हम इनको कॉल करेंगे। तो चलिए ये था इसका सिंटेक्स, अब प्रोग्राम बना करके हम समझते हैं। तो चलिए अब फ्रेंड क्लास का यूज करके हम प्रोग्राम बनाते हैं। तो पहले देखिए, एज यूजुअल हम हेडर फाइल्स ओपन करेंगे, और ABC नाम की हमने एक क्लास ली, उसके अंदर एक num1 नाम का हमने वेरिएबल लिया, और पब्लिक के अंदर void get value एक फंक्शन बनाया जिसके अंदर हमने num1 को वैल्यू से इनिशलाइज किया है, और वैल्यू जो a में स्टोर होगी उस वैल्यू को num1 में ट्रांसफर कर देगा, स्टोर करेगा। और void display1 में
num1 को डिस्प्ले कर दिया। और यहाँ पे देखिए, अब हमने एक फ्रेंड क्लास बनाई है, फ्रेंड कीवर्ड का यूज किया हमने। देखिए फ्रेंड क्लास xyz, तो जो xyz क्लास है उसको हमने फ्रेंड क्लास बना दिया। तो अब ये xyz जो क्लास है वो पूरे के पूरे मेंबर्स ऑफ abc क्लास कैन एक्सेस डायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की हेल्प से डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए abc का ब्रैकेट क्लोज हो गया, यानी कि abc क्लास क्लोज कर दी हमने। अब क्लास xyz को डिस्क्राइब करेंगे और उसके अंदर भी एक वेरिएबल ले लिया num2, और पब्लिक के अंदर गेट num नाम का एक फंक्शन बनाया जिसमें कि num2 को इनिशियल वैल्यू प्रोवाइड की, जो भी वैल्यू b में स्टोर होगी उसको num2 में स्टोर कर देगा। और गेट num फंक्शन यहाँ पे क्लोज हो गया। और नेक्स्ट देखिए हमारा क्या है, डिस्प्ले 2 नाम का फंक्शन है, disp2, उसके अंदर हमने abc का एक ऑब्जेक्ट भी क्रिएट किया, क्योंकि abc के फंक्शंस को एक्सेस करने के लिए हमें abc का ऑब्जेक्ट चाहिए होगा। क्यों? क्योंकि xyz फ्रेंड क्लास है इसलिए हम यूज कर सकते हैं। अगर ये फ्रेंड क्लास नहीं होती तो हम ऑब्जेक्ट के साथ यूज नहीं कर सकते थे, और बिना ऑब्जेक्ट के भी हम डायरेक्ट फंक्शन को कॉल नहीं कर सकते थे सिंपल क्लास में। इनहेरिटेंस में हम कर सकते हैं, लेकिन अभी हम इनहेरिटेंस नहीं कर रहे, सिंपल फ्रेंड क्लास का यूज कर रहे हैं। तो उसमें हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट लेना होगा, और ऑब्जेक्ट के साथ हम एबीसी जो नाम की क्लास है उसके फंक्शन को कॉल करेंगे। ए डॉट डिस्प्ले disp1, disp1 फंक्शन को कॉल करेगा और ये num1 को प्रिंट कर देगा। और नेक्स्ट स्टेटमेंट में उसने num2 को डिस्प्ले कर दिया, क्योंकि इसी का मेंबर है तो यहाँ डायरेक्ट डिस्प्ले कर दिया। नेक्स्ट हमने एक सम फंक्शन लिया जिसका रिटर्न टाइप इंटीजर है, और उसमें देखिए एक abc का ऑब्जेक्ट भी हमने क्रिएट किया। क्यों? क्योंकि हमें सम करना है दोनों क्लास के मेंबर का, यानी कि वेरिएबल्स का, num1 का भी num2 का भी। तो जब abc क्लास के वेरिएबल को हम एक्सेस करेंगे तो उसके ऑब्जेक्ट के साथ डायरेक्ट एक्सेस करेंगे, क्योंकि अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि जो फ्रेंड क्लास होती है वो सब डेटा मेंबर्स को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ एक्सेस कर सकती है अदर क्लास के। तो यहाँ देखिए रिटर्न करो obj.num1, abc क्लास का मेंबर है num1, इसलिए abc के ऑब्जेक्ट के साथ हम एक्सेस कर रहे हैं obj.num1+num2, और जो भी सम होगा उसको रिटर्न कर देगा जहां से फंक्शन कॉल हुआ है। तो ये यहाँ पे फंक्शन का ब्रैकेट क्लोज हो गया और ये हमारा क्लास का ब्रैकेट क्लोज हो गया। अब चलिए देखते हैं मेन में कैसे कॉल करेंगे इनको। तो देखिए मेन के अंदर हमने एक्स वाई जेड का भी एक ऑब्जेक्ट बनाया और एबीसी का भी एक ऑब्जेक्ट बनाया है। पी डॉट गेट वैल्यू जो एबीसी का फंक्शन है उसको हमने एबीसी के ऑब्जेक्ट के साथ कॉल कर लिया और 10 पास कर दिया। तो ये 10 किस में स्टोर कर देगा, num1 में। ये देखिए यहाँ पे गेट वैल्यू को कॉल करेगा, 10 ए में स्टोर हो जाएगा और ए से num1 में स्टोर कर देगा। और के डॉट गेट num फंक्शन को कॉल किया जो एक्स वाई जेड का फंक्शन है, वो एक्स वाई जेड के ऑब्जेक्ट से कॉल किया हमने, 50 को पास किया, 50 बी में स्टोर हो गया, बी से num2 में स्टोर हो गया। फिर नेक्स्ट के डॉट डिस्प्ले 2, अब क्योंकि डिस्प्ले 2 जो है हमारा disp2, ये हमारा एक्स वाई जेड का फंक्शन है, तो के डॉट disp2 के साथ कॉल किया और उसमें हमने पी ऑब्जेक्ट को पास कर दिया। यहाँ देखिए ये पी ऑब्जेक्ट इसमें चला गया ए में। अब इस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम एक्सेस करेंगे एबीसी क्लास के मेंबर फंक्शन को, तो ए डॉट डिस्प्ले 1 इसी में हमने कॉल कर दिया। मेन में हमने कॉल नहीं किया, जबकि मेन में भी हम कर सकते थे, लेकिन मैंने जानबूझ के फंक्शन के अंदर बताया क्योंकि आपको ये पता चले कि हम ऐसे भी एक्सेस कर सकते हैं। एंड देन सी आउट num2 को डायरेक्ट डिस्प्ले कर दिया, तो ये प्रिंट कर देगा इसमें क्या, 10 इस स्टेटमेंट का आउटपुट देगा और 50 इस स्टेटमेंट का आउटपुट होगा, num2 50। नेक्स्ट स्टेटमेंट में हमारा सी आउट करेगा, डिस्प्ले करेगा क्या, हमने सम फंक्शन को कॉल किया के डॉट सम और उसमें हमने ऑब्जेक्ट पास कर दिया किसका, एबीसी का, क्योंकि एबीसी के मेंबर को एक्सेस करने के लिए ऑब्जेक्ट चाहिए होगा। तो हमने सम फंक्शन को कॉल किया, इसका डेफिनेशन ये है हमारा सम का, और पी किस में आ गया, ओबीजे में। अब इसमें यहाँ पे रिटर्न किया क्या, obj.num1+num2, क्योंकि num1 हमारा एबीसी का मेंबर है तो इसको एक्सेस करने के लिए एबीसी का ऑब्जेक्ट चाहिए होगा, और obj.num1 से हम इसको एक्सेस करेंगे प्लस num2, और जो भी जैसे यहाँ पे हमारा इसका वैल्यू num1 का 10 है, num2 का वैल्यू 50 है, और 60 रिटर्न करेगा यहाँ से, और यहाँ इस स्टेटमेंट में क्या प्रिंट कर देगा, 60, एंड देन sch रिटर्न 0 एंड देन ब्रैकेट क्लोज। तो ये था हमारा फ्रेंड क्लास, हम कैसे यूज करेंगे
दूसरी क्लास के प्राइवेट और प्रोटेक्टेड मेंबर्स को एक्सेस करने के लिए। तो चलिए अब इस प्रोग्राम को हम रन करके भी देख लेते हैं कंप्यूटर में। तो ये है देखिए हमारा प्रोग्राम जो अभी हमने एग्जीक्यूट किया, सेम प्रोग्राम लिया है मैंने, सेम फंक्शंस भी लिए हैं और ये फ्रेंड क्लास बनाई हमने एक्स वाई जेड, किसकी, ए बी सी। और यहाँ एक्स वाई जेड को हमने डिस्क्राइब कर दिया नीचे, यहाँ पे ए बी सी क्लोज होगी क्लास और यहाँ एक्स वाई जेड को हमने डिस्क्राइब किया है। तो देखिए एक्स वाई जेड में भी हमने दो फंक्शन लिए, गेट वैल्यू, डिस्प्ले टू फंक्शन, डिस्प टू फंक्शन सेम है जो अभी हमने एग्जीक्यूट किया, सम के अंदर दोनों डेटा मेंबर्स का सम कर, एंड देन एक्स वाई जेड क्लास भी क्लोज कर दी। और मेन के अंदर देखिए ऑब्जेक्ट्स बना करके ए बी सी का ऑब्जेक्ट बनाया एस, एक्स वाई जेड का ऑब्जेक्ट बनाया ओ बी जे वन और दोनों के गेट इनपुट और गेट वैल्यू फंक्शन हमने कॉल कर लिए 10-20 वैल्यू के साथ, और ओ बी जे वन डॉट डिस्प्ले टू यानी कि डिस्प टू को हमने कॉल किया और जिसमें हमने पास कर दिया ए बी सी का ऑब्जेक्ट, और डिस्प टू में जा करके ये डिस्प्ले कर देगा, डिस्प वन में नम वन को डिस्प्ले करेगा और यहाँ नम टू को डिस्प्ले करेगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट में हमने सम फंक्शन को कॉल किया और ऑब्जेक्ट पास कर दिया ए बी सी का, ताकि ए बी सी का जो मेंबर है वो हम ऑब्जेक्ट के साथ एक्सेस करेंगे ओ बी जे डॉट नम वन प्लस नम टू, और जो भी रिटर्न होगा उसको डिस्प्ले कर देगा। तो चलिए सेम प्रोग्राम है, अब हम इसको रन करके देख लेते हैं। कंट्रोल एफ नाइन, ये देखिए नम वन की वैल्यू 10 प्रिंट कर दी, नम टू की वैल्यू 20 प्रिंट कर दी और इन दोनों का सम 30 प्रिंट कर दिया। तो इट मीन्स हमारा एग्जीक्यूशन एकदम सही है, तो दिस विल बी आउटपुट। आज के वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको आज का वीडियो मेरा पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड ऑल्सो क्लिक द बेल आइकन, ताकि वीडियो अपलोड होती है आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप तुरंत वीडियो देख सकें। थैंक यू वेरी मच।